दादी मुझे सुन रही है ना? मैं मिगेल हूँ। मैं आपके पापा से मिला, आपको याद है? पापा प्लीज, अगर आप उन्हें भूल गई तो वो मिट जाएंगे हमेशा के लिए। देखिए ये उन्हीं का गिटार है ना, इस पे आपको गाना सुनाते थे। देखिए ये वही है। पापा याद आया? पापा कोको दादी प्लीज उन्हें मत भूलिए। बंधु ये सुन के कितना सुकून मिला है, क्योंकि इस श्रद्धांजलि दिवस पे कितनी तकलीफ मिली है, पर आप जैसा बंधु जिंदगी में आया तो बात बन जाए, क्योंकि बंधु हमेशा साथ देता है। तो सुनो, अगर तुम मुझे पुल पार करा दो तो बदले में जो मांगोगे मिलेगा। ओ तुम डेला क्रूज के फैन हो? उसका मेरा पुराना यारा है, तुम्हें उसके सलाम सवेरा शो में आगे की सीट दिलवाऊंगा, बैकस्टेज भी ले जाऊंगा उससे मिलवाने, बस वो पुल पार करवा दो यार। मन तो भर रहा है कि तुम्हें छोड़ो, जिंदगी भर की मेहनत है, एक पल में इसे बर्बाद नहीं करने दे सकता। वो जीता जागता बच्चा है, मेरे लिए खतरा है। बेवकूफ हूँ जो इसे तुम्हारी तस्वीर के साथ जिंदा लोगों की दुनिया में जाने दूँ, तुम्हारी यादों को जिंदा रखने के लिए कभी नहीं। तुम धोखेबाज हो। मैं हूँ अर्नेस्टो डेला क्रूज, दुनिया का सबसे फेमस म्यूजिशियन। दादू वो फेमस म्यूजिशियन है, तुम वो हो जिन्होंने उनका खून कर उनके गाने चुराए। उन्हें मैं वो हूँ जो अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, यानी कुछ भी। मेरा परिवार हर साल चढ़ावे के साथ तस्वीर रखता ही है, तुम्हारा ये डब्बा कचरे का डब्बा है। ममा मेरा, ओह मेरे बच्चों, ये मुझे पुल नहीं पार करने दे रहे। इस काम चोर औरत और इसके कचरे के डिब्बे को बताओ कि मेरी तस्वीर रखी गई है। हम चढ़ावे तक पहुंच ही नहीं पाए। क्या कहा? रास्ते में मेरा पोता नन्हा सा मासूम छोनू मोनू बाबू साफ दिल वाला फरिश्ता है, इसे तुम्हारे संगीत से पहला मत करो और आईना इसे दूर ही रहना। हाय मेरा लखते जिगर, ओ तुम ठीक तो ना बेटा? तुम जानते हो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, अब चुपचाप घर चलो अभी। एलेना क्या हुआ बेटा? मेरे पापा मेरे लिए ये गाना गाते थे, मैंने उनकी चिट्ठियां रखी हैं, मेरे लिए लिखी कविताएं भी। और फिर से तुम यहाँ क्यों मुंह उठा के चले आए? बस क्या, आपके लिए क्या लाया हूँ? चले जाओ यहाँ से। मेरा गिटार। मेरा प्यारा अनमोल गिटार। हम जल्दी लौटा देंगे पक्का, वैसे ही जैसे आज तक तुम मेरी वैन लौटा रहे हो। क्या मेरा मिनी फ्रिज, या मेरे सफेद रुमाल, मेरी रस्सी, मेरा घुटना? इस बार मामा इमेल्डा के पास चलो, उनके पास इसका इलाज होगा। कचरे का डब्बा है मामा इमेल्डा, आपकी मेरी तस्वीर रखी गई है। हम चढ़ावे तक पहुंच ही नहीं पाए। क्या कहा? रास्ते में ये जो मिल गया। जूते पॉलिश कर रहा था। वो भी एक गवाही है के? हो रहा मिगेल। प्यारा सा मिगेल, आप जो मुझे कैसे जानते हैं? हमारे रिश्तेदार है बेटा, पर जिंदा भी नहीं लग रहा है। विक्टोरिया दादी, दिखने में मुर्दा तो नहीं लगता, मुझे बताओ इस सब की वजह कहीं तुम तो नहीं? अगर मामा इमेल्डा हमारे और परदादा होलियों की तरह मोजड़ियाँ। लेकिन अगर मैं अच्छे जूते ना बना पाया तो? मिगेल, हुनर परिवार से विरासत में मिलता है, तुम रिवेरा खानदान से हो और रिवेरा होते हैं। मिगेल, दादी माँ को किसी का भी वहाँ जाना पसंद नहीं है, पता है ना? मैं तो सिर्फ जूते पॉलिश कर रहा है और मैं सोच रहा था कि उसमें हिस्सा लूँ। हाँ अगर डेला क्रूज अकेले में ही बजाता तो कभी इतना नाम और शोहरत कमा पाता नहीं। उसने सरेआम चौक पे खड़े होके शुरू की झमाझम झड़ी लगा दी। देखो मुन्ना, मौका खुद सामने आ गया है, चौका लगा दो इस श्रद्धांजलि दिवस के टैलेंट शो में। अपने हीरो जैसा बनना है तो इसमें हिस्सा लो। हर हाल में अर्नेस्टो तक पहुंचना है तो डेला क्रूज चौक के म्यूजिक कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले लो, जीतने वाले को उसकी पार्टी में परफॉर्म करने मिलता है। आईब्रो भी लगाना वो गैर कानूनी है? बिल्कुल गैर कानूनी है।
सुधर जाओ नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे बंधु। बात करवा दो यार। मन तो कर रहा है कि तुम्हें काल कोठरी में डाल दूं, पर मेरी शिफ्ट खत्म हो रही है और मुझे अपने जिंदा रिश्तेदारों को मिलने जाना है, इसलिए बस तुम्हें वार्निंग दे के छोड़ रहा हूँ। मैंडा दीदी वो इस बार नहीं आ पा रही, वो अटक गई दूसरी दुनिया में। दादा ऑस्कर, दादा फिलिप। ओ हाय मिगेल। Remember me.